आज का लोग देखो से स्टार्ट कर रहे हैं भाई सीधा गोबर बड़ा बाईपास से और अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे बाइक के ऊपर। और भाई यार अभी चेक कर सो सुबह को टाइम बता दो सुबह के भाई करे 8 बजे और भाई चेक कर लो भाई आज कैसा वेदर हो रहा है भाई। सेम वैसे वेदर हो रहा है जैसे भाई 3-4 दिन पहले था वही भाई ठंड स्टार्ट हो गई है दोबारा से यार। देखो भाई पूरा जो है फोक फोक हो रहा है। और भाई यार आज ना भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है यार मैं पेपर भाई हमारा 8:30 का टाइम था तो भाई हमें जो है कैसे करके पहुँचना पड़ेगा वहाँ पे। तो चलते भाई फटाफट से रेड वेड सिग्नल सब तोड़ दिया भाई आज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार सुबह पहले तो चलते भाई फटाफट से देखते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया यार भाई बाइक तो भगानी पड़ेगी अभी यार। तो चलो भाई भगाते हैं बाइक को देखते कैसे रिएक्शन पड़ने मिलता है आपसे देखते कैसे कैसे रिएक्शन आते हैं आज। और आप सभी भाई आज हम कॉलेज जाने वाले तो वहाँ का सीन दिखाऊंगा आपको रोड पर ठीक है सारी चीज़ चेक करूँगा। तो चलते भाई काफ़ी लेट हो चुका है यार अभी तो भाई भगानी पड़ेगी बाइक का रात। और भाई इतनी ठंड में आ जाओ इतनी तेज बाइक चला रहा हूँ भाई हाथ ऐसे कांप रहे मेरे तो मेरे हाथ में ग्लव्स पहन रखे फिर भी इतनी ठंड लग रही है हाथ के अंदर। तो चलो भाई यार काफ़ी ठंड लग रही है भाई आज तो चलो भाई चलते फटाफट से मिलते हैं आज रिएक्शन पॉइंट के पास। तो गाइस यार अभी चलो भाई हम लोग निकल चुके हैं हमारी कोचिंग से। और भाई यार आज का सीन भाई क्या हुआ कुछ ऐसा भाई आज सुबह ना भाई ब्लॉग नहीं बन पाया यार रिएक्शन पॉइंट पे जो कि भाई हमारा रेगुलर था वहाँ रिएक्शन लेते भाई नए। तो भाई यार आज जो ना रिएक्शन नहीं ले पाए अपन तो भाई देखो क्या लिख रखा है 1313 भाई क्या चीज़ मतलब आपको पता है कमेंट करके बताऊँ क्या मतलब इसका ठीक है। तो भाई अभी आज ना मतलब सामने पुलिया करूँ भाई सुबह कोई रिएक्शन वगैरह नहीं आया तो क्योंकि वीडियो भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे इस वजह से भाई कुछ बोल नहीं पा रहा था यार मैं भाई जो भाग के लाने गाड़ी को यार में क्योंकि भाई मैं आधे रास्ते आ गए थे घर से। और फिर दोबारा भाई जो है मेरे को एक काम है आज आगे मेरे को लेना भूल गया था मैं घर से और भाई वो भी जा करके लेके आया हूँ और चेक कर लो भाई पतंगे देखो कैसे लगा रहे बंदे। और भाई पतंगों का मौसम भी भाई स्टार्ट हो चुका है यानी कि भाई आज जो है हो चुकी है 8 तारीख और भाई पतंगे उड़ना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलते भाई अभी फटाफट से देखते टनल के पास नई नई चीज़ें चेक कराऊँगा आपको नई नई कार्ड चेक कराऊँगा आपको। तो चलते आज कार मार्केट में चलेंगे भाई बहुत दिनों में कार मार्केट गए हुए तो टनल पर चलते कार मार्केट चलते मज़ा आएगा आपको आगे जाके ठीक है। तो चलते फटाफट से मिलते हैं आपसे आगे टनल के पास में। सो गाइस जब देख सकते हो भाई सामने आपको दिख रही है टनल और वह देखो आज टनल में कितना ज़्यादा फोक हो रहा है भाई कितना अंधेरा सा लग रहा है भाई चलते हुए देखते हैं कैसा साउंड चेक कराना और भाई अभी ना भाई मेरे पास से देखो भाई बढ़ना भाई सब पर्पल कलर की बढ़ना क्या मुझे भाई करा देती है। चलो भाई साउंड चेक कराता हूँ आप सबको भाई मैं देखो अंदर साउंड यार। और भाई अभी जो जस्ट मेरे पास वो एक KTM भाई क्या फ्लाई वे दिया खतरनाक वाला यार भाई बहुत तेरी भाग ले गया था KTM RC वाला यार भाई लग भी खतरनाक थी थोड़े मॉडिफाई करा रहे थे उस बंदे ने कार मेरे उधर कैसे उधर लगा रखे थे। तो वही अभी आ चुके हम आतिश मार्केट देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा मेट्रो स्टेशन आतिश मार्केट का। तो चलते हैं कार मार्केट में देखते भाई कैसे कैसे कार खड़ी है आज 2 दिन हो गए भाई वहाँ पे गए हुए नई नई कार्स आ गई होगी और चेक करता हूँ आपको भाई कैसी कैसी कार्स है ये लग्जरी कार्स है तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा भाई आपको भी मेरे को भी भाई देखने में। तो चलते फटाफट से देखते हैं भाई कैसे कैसे कार्स है यार आगे जगह पता चलेगा तो मिलते हैं आपसे आगे कार मार्केट में। सो गाइस सर अभी जो भाई हम लोग आ चुके हैं भाई कार मार्केट में नई नई कार्स चेक कराता हूँ आपको भाई पहले फोर्ड्स में मुझे हटने दो भाई ठीक है अब स्टार्ट करते हैं भाई गाड़ी होगा ठीक है। देखते भाई यहाँ पे देख लो भाई मर्सिडीज देखो भाई कैसे गाड़ी है जैगुआर भी है भाई ये देखो जैगुआर कैसी है हरियाणा ये देखो भाई X3 WRX3 जैगुआर मर्सिडीज देख रहे हो भाई कैसे गड़ी गाड़ियाँ खतरनाक भाई साहब। और इस जगह भाई चमचमाती हुई नई की नई चमचमाती हुई बुलेट देखो भाई अभी तो माड़ा वाड़ा चल रही है इसके। तो चलो भाई देखो भाई कैसी गाड़ी भाई मैं कुछ बोला था तो भाई कुछ दोबारा दूसरी गाड़ी गति देखो चेक करो भाई। और भाई यार यहाँ पे ना मैं आपको एक दिन ऐसे गाड़ी चेक करा था भाई यहाँ से बीच में तो पता नहीं कैसी कई गाड़ी निकली थी भाई अगर आपने ब्लॉग देखा है ना भाई आपको याद होगा। और भाई जो बचा था ना भाई भाई एक अंगुली का भी डिस्प्ले मतलब डिफरेंस था उसमें यार खतरनाक वाला भाई वहाँ टक्कर होती है यहाँ पे। तो चलो भाई आज के ब्लॉग को जो है तरह फोन करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा अगर आ गया तो बड़ा करना वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है मिलते आपसे नेक्स्ट फोटो ब्लॉग तक लिए फॉर वॉचिंग।